नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको ये आर्टवर्क कैसा लग रहा है? क्या आप सीखना चाहेंगे? आइए हम आपको सिखाते हैं। आपके घरों में ऐसे बहुत सारे डब्बे आते होंगे जिनको आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते होंगे। आज हम इसका यूज करेंगे। ये है पिस्ता के छिलके, जो कि पिस्ता खाने के बाद भी आप फेंक देते होंगे, पर आज हम इनसे ही ये आर्टवर्क बनाएंगे। ये है सुतली। सुतली की जगह आप ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम इस सुतली को इस डब्बे के चारों तरफ इस तरह से लगा रहे हैं। अब ये देखिए, हमने 6 सुतलियाँ ली हैं और हम इनको चोटी की तरह गूंथेंगे। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया सुतली का बॉर्डर। इसे हम इस डब्बे के चारों तरफ लगाएंगे। अब अंदर की तरफ हम कलर करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ हमने ब्लैक कलर किया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना डिजाइन। यहाँ हम एक प्लांट का डिजाइन बना रहे हैं, जिसकी टहनियों को हमने रंग और ब्रश की मदद से बनाया है। इसके फूलों और पत्तियों को हम इन पिस्ता के छिलकों से बनाएंगे। इनको हम अलग अलग रंगों में रंग रहे हैं। आप इन्हें अपनी पसंद के रंगों में भी रंग सकते हैं। पिस्ता के छिलकों को रंगने के लिए आप एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर, ऑयल पेंट और अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना हो, तो अपनी मम्मी के नेल पॉलिश के कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फूलों को और सुंदर बनाने के लिए हम इनके अंदर ये मोती लगा रहे हैं, जिनको हमने नीले रंग में रंग दिया है। ये देखिए, तैयार हो गया हमारा सुंदर सा आर्ट पीस, जिसे हमने बेकार या पुराने सामान से बनाया। आप इन पिस्ता के छिलकों की मदद से और भी सुंदर सुंदर डिजाइन्स बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं।